أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو میں ہوں محسن دفاع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز یوٹیوب چینل. دوستو میں نے دو اور یوٹیوب چینل شروع کیے ہیں جس میں ایک ہے 24/7 ٹیچرز آن لائن جس کے اوپر میرے کافی سارے سبجیکٹ کے اپنے ریکارڈڈ لیکچرز اویلیبل ہیں اور دوسرا چینل की टू सक्सेस जिसके ऊपर आपको मिड टर्म के हवाले से और फाइनल टर्म के हवाले से काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल सकता है. तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के अंदर सपोर्ट किया है, तो आप इन दोनों चैनल के ऊपर जो मटेरियल है उसको भी ज़रूर विजिट करें और उससे फ़ायदा उठाएँ. ना सिर्फ आप इनको विजिट करें बल्कि जो है इनको सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुंचे और आप उससे सीख सकें. दोस्तों बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की. आज की ये जो वीडियो है वो हमारी FIN 625 क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो हमारा क्विज नंबर 1 आया हुआ है स्प्रिंग 2020 का, उस हवाले से है. तो चलिए हम लोग अपना क्विज शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है. The system which is used for verification of the legitimacy of an individual public identity is called fill in the blank. इसमें क्रेडिट वर्थनेस है, क्रेडिट हिस्ट्री है, आइडेंटिटी स्कोर है और क्रेडिट स्कोर है. तो इसमें जो आइडेंटिटी स्कोर है थर्ड नंबर वाली ऑप्शन, वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, बैंक शुड इंश्योर दैट द क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन द न्यू प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज नीड टू प्रायर अप्रूवल बाय द फिल इन द ब्लैंक. इसमें सीनियर मैनेजमेंट है, इसमें ब्रांच मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और मिडिल मैनेजमेंट है. तो जब भी हमें किसी चीज की अप्रूवल लेनी होती है तो उसके लिए हम जो है कॉन्टेक्ट करते हैं विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थर्ड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, द क्रेडिट ब्यूरो ऑफ क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी इज अ कंपनी दैट फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू पब्लिक, प्रोवाइड कंज्यूमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल बोरोअर, ओनली एग्जिस्ट इन USA एंड UK, वर्कर फॉर क्रेडिट कार्ड कंपनी ओनली. और इसमें हमारे पास जो है जो हमारी क्रेडिट ब्यूरो है या क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी है दैट इज प्रोवाइड द कस्टमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल बोरोअर. तो इसमें हमारे पास जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन मैनी कंट्रीज अ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी पास्ट बोरोइंग एंड रीपेइंग इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लास्ट पेमेंट एंड बैंकरप्सी. इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट रेटिंग है और क्रेडिट रिपेयर है और क्रेडिट यूनियन है. तो जो चीज हमें बताती है बोरोइंग के बारे में, रीपेमेंट के बारे में या लास्ट पेमेंट के बारे में, या अगर किसी का कोई दिवालिया निकल गया है तो वो हमें क्रेडिट हिस्ट्री बताती है. तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी 5 क्वेश्चन, रिस्क मैनेजमेंट ऑफन अलाइंड विद विच एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट और MIS, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और आपकी MIS टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इसमें आपका जो है, मैंने तो इसका जो है वो फर्स्ट वाला लगाया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट. तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर काज ऑफ सीरियस बैंकिंग प्रॉब्लम एक्सेप्ट. इसमें लेक्स क्रेडिट स्टैंडर्ड फॉर बोरोअर है, लेक्स क्रेडिट स्टैंडर्ड फॉर काउंटर पार्टीज है, और पुअर पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट है, और हैविंग अटेंशन टू वेरिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस है. तो इसमें जो है वो हैविंग अटेंशन टू वेरी इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस वो नहीं है. तो इसलिए लास्ट वाली जो ऑप्शन है वो हमारे सवाल का ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, कॉरपोरेट क्रेडिट स्कोरिंग इफ रिप्रेजेंटेड थ्रू फिल इन द ब्लैंक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है. तो कॉर्पोरेट क्रेडिट स्कोरिंग इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग रिस्क एंड टेकिंग स्टेप टू आइदर इलिमिनेट
or to reduce them as far as reasonably practicable by introducing control measures. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है एंड क्रेडिट मैनेजमेंट है. तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इसका ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बारोअर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रिपोर्टिंग, क्रेडिट स्कोरिंग एंड आइडेंटिटी स्कोरिंग. तो हमारी जो बॉरोइंग की न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है दैट इज नोन एज द क्रेडिट स्कोर. तो थर्ड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है. लास्ट क्वेश्चन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज कवर्ड इन द क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेप्ट कंज्यूमर पेमेंट पैटर्न है, कंज्यूमर लेंडिंग पैटर्न है, कंज्यूमर क्रेडिट बैलेंस है और कंज्यूमर क्रेडिट इंक्वायरीज बाय डेबिटर है. तो इसमें जो लास्ट वाली है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, कंज्यूमर क्रेडिट इंक्वायरीज बाय डेबिटर. तो लास्ट वाली ऑप्शन जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होती, तो इसलिए इसका जो जवाब है वो आखिरी बिल्कुल ठीक जवाब है. दोस्तों ये था हमारा क्विज, और आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूँगा 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहाँ पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, CS101 है, MGT101 है, CS201 है, MGT201 है, CS601 है, CS401 है, और भी बहुत सारे ऑलमोस्ट कोई 15 के करीब मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं जिनके मेरे अपने लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं. तो आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं. दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDB सॉल्यूशन के साथ. तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़.